दोस्तों ये है हमारी शॉप, ये मैंने नई दुकान खोली है, अरोरा स्टेशनरी मोबाइल एसेसरी शॉप। और देखो मैं आपको बताऊंगा, मैं हालांकि आपको इसके बारे में वीडियो देता रहूंगा टाइम टू टाइम, अपनी मोबाइल और ये गिफ्ट और स्टेशनरी की जो शॉप है, आप एक बार देख लो मैंने कितना माल भर रखा है इसमें। ये सब, ये वाली जो इधर वाली रैक है, ये सारी स्टेशनरी की है। अच्छा, स्टेशनरी में मैं आपको जो बता दूं, जो मुख्य ब्रांड जो चलते हैं वो चलता है डॉम्स, और दूसरा चलता है क्लासमेट, तीसरा चलता है लिंक। तो ये दो तीन ब्रांड हैं जो आपको रखने ही रखने पड़ेंगे अगर आप स्टेशनरी की शॉप प्लान कर रहे हो तो। डॉम्स के सबसे ज़्यादा कलर्स वगैरह आते हैं, क्लासमेट की कॉपी और पेन वगैरह आते हैं, रेनॉल्ड्स के पेन आते हैं। इधर ये पेन रख रखे हैं हमने, पेन एक से एक हैं। ये सामने जो लगे हुए हैं 200, 400, 500 रुपये की रेंज के हैं। ये तो हो गया स्टेशनरी का, ये सामने मोबाइल का है। और ये देखिए, ये डोम्स के कलर वगैरह ये बहुत बिकते हैं। इधर हमने, मैंने गिफ्ट वगैरह लगा रखा है हम लोगों ने, और ये मैं आपको बताऊंगा आगे कितने लाख का माल डाल रखा है। ये धीरे धीरे डाला है, मैं वीडियो बनाने अब प्लान करा मैंने, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने लाख का माल है लगभग, और स्टेशनरी में कितना प्रॉफिट है, कितना क्या है, इसके बारे में सबको बताऊँगा। आप खोलना चाहें तो, आप अगर स्टेशनरी का काम डालना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें अलग अलग तरह का प्रॉफिट है। ब्रांड्स जो होते हैं ना, डॉम्स वगैरह होते हैं, क्लासमेट वगैरह होते हैं, उस पर आपको 35% 30% तक का प्रॉफिट मिलता है। जो दूसरे लोकल ब्रांड्स होते हैं, मतलब जो जाने पहचाने नहीं है, लोकल है, उसमें आपको 40-40 तक का भी मार्जिन मिल जाएगा। और मैं अब आपको बताऊं तो ये मेरी शॉप किराए पर है, इसका 8,000 रुपये किराया है, पहले 8,000 रुपये किराया निकालना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे की जब वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कितने की सेल आ रही है पर डे की, और कितना इसमें मेरे को बच रहा है, क्या आपको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मोबाइल का काम जो मोबाइल का काम है या ये जो गिफ्ट आइटम का काम है, इसमें लगभग 50-50, 60-60% तक का मार्जिन है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप किराए की दुकान ले रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट में क्या करवाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग गलती करते हैं जब रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जब हमारा काम चल जाता है तो मकान मालिक हमें दुकान छोड़ने के लिए कह देता है कि चलो मैं कर लूँगा अब इसका काम, तो चल ही गया। तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, और उसके लिए मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में, और आपको क्या ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको मैं रेगुलर इस पर वीडियोज देता रहूँगा। और किराया निकालना है आपका, कितना किराया है, तो क्या क्या इस काम से आप किराया निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, तो वो भी सब मैं आगे बताऊंगा। और अगर निकालना है तो हमें कितना लाख का माल की, कितने पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है इस काम को स्टार्ट करने के लिए, और क्या आपको बैंक से मदद मिल सकती है नहीं मिल सकती है, मैं सारी बातें आपको बताता रहूंगा आगे आगे वीडियो में। आपका रिस्पॉन्स जैसे आएगा इस वीडियो में, अगर मेरे को अच्छा लगता है आप कमेंट करेंगे तो मैं वैसे वैसे आपको जवाब देता रहूंगा और बताऊंगा कि आपको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं यही वीडियो डाल रहा हूँ, अभी अपना जो स्टेशनरी है, मोबाइल है और आपका गिफ्ट आइटम है, तो इस पर मैं आगे आपको, अगर आप को वीडियो पसंद आती है तो मैं आगे आपको बताऊंगा कितने परसेंट मार्जिन है इसमें और आप करें या ना करें। तो अभी आज के लिए इतना ही वीडियो में डाल देते हैं, आप लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। ठीक है, जय हिंद।